हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन चलने वाले इस त्यौहार के पहले दिन बप्पा को घर में लाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। गणेश चतुर्थी के थोड़े दिन पहले ही लोग बप्पा को घर में लाने की तैयारी में जुट गए हैं। बप्पा का आसन कैसा होगा, डेकोरेशन कैसा होगा, ये सब हम सर्च करते रहते हैं। अगर आप भी इस बार गणपति डेकोरेशन आइडियाज़ की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ खास डेकोरेशन के आइडियाज़ शेयर किए हैं गणपति जी के लिए। आप बैकड्रॉप के आइडियाज़ ले सकते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर इस बार आप गेंदे के फूलों से सजावट कर सकते हैं। गेंदे के फूल जल्दी मुरझाते नहीं हैं, ये कम से कम 2-3 दिन तक ताज़े ही दिखते हैं। इसके अलावा आप इसमें पत्तों की भी माला जोड़ सकते हैं, वहीं इसकी जगह आप नकली फूलों की माला से भी डेकोरेट कर सकते हैं। कलरफुल पेपर से भी गणपति डेकोरेशन कर सकते हैं। इन कलरफुल पेपर से आप फूल, माला, दीपक, वॉल हैंगिंग एक्सेट्रा बना सकते हैं। इसके लिए आप डिफरेंट कलर्स में फ्लोरोसेंट पेपर या ग्लिटर शीट भी चुन सकते हैं। डेकोरेशन के लिए आप डिफरेंट और कलरफुल दुपट्टों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दुपट्टों को लेकर आप कई तरह से चौके के बैक साइड में डेकोरेशन कर सकते हैं। किसी भी तरह से शेप देकर आप डेकोरेशन करें, इसमें आप लाइटिंग भी कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में ये सब रेडीमेड मिल रहा है, तो आपको घर में लाकर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको वो सामान घर पर लाना है और बैक साइड में प्लेस कर देना है। ऑर्किड, कार्नेशंस और गुलाब जैसे फ्लावर्स से भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी थीम पिक करें और उसी तरीके से आप सजावट करें। थीम को लेकर आपको गूगल पर बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे और आइडियाज़ मिलेंगे। सबको लगता है कि ये डेकोरेशन कुछ अलग और इसमें नयापन होना चाहिए। पेपर या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स का इस्तेमाल करना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले तो आप डेकोरेशन के लिए अपना बजट रेडी करें, उसके बाद थीम को डिसाइड करें, आपको कैसा डेकोरेशन करना है इस वीडियो में से आइडियाज़ पिक करें। सेट्स रेडीमेड मार्केट में मिल सकते हैं, उनकी प्राइजेस आप निकालिए और अदर एक्स्ट्रा सामान जो लगने वाला है उसकी एक लिस्ट निकाल कर उसकी भी प्राइजेस आप ऑनलाइन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा डेकोरेशन आइडिया आप यहाँ से पिक करें, इंस्पिरेशन ले। गणेश जी की मूर्तियाँ सुंदर होती है, लेकिन डेकोरेशन भी अट्रैक्टिव और आई कैचिंग होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आता है लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।